तो आप अभी जो सामने स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये आपका क्रैंकशाफ्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, ये एक मूवर का काम करता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में रोटर से कनेक्टेड रहता है, और इसी के थ्रू आपके जो पिस्टन्स होते हैं, जो कि आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये जो पिस्टन्स होते हैं वो मूव कर पाते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं जो ये आपका पिस्टन है वो किस तरीके से क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये इसका जो नीचे का पार्ट मैंने आपको बताया था, कनेक्टिंग रॉड है जो कि क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है, तो कुछ इस तरीके से इसकी ये पार्ट खुल जाती है और इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाती है। इसके लिए आपके ये अलग से नट बोल्ट्स दिए गए हैं, तो कुछ इस तरीके से ये क्रैंकशाफ्ट पे कनेक्ट हो जाता है, अगर आप देख पा रहे हो उसे इसे। और जब आपका ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है, इसके रोटेशन की वजह से पिस्टन अप एंड डाउन मोशन कर पाता है।